और यार आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में एक रिव्यू करने वाला हूँ और बताऊंगा कि यार ये कॉलेज कैसी है, अच्छी है या नहीं है। अब यार ये चीजें जो मैं बताऊंगा ये मैं डिफेम करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो बच्चे से मुझे पता चला है, जो रिव्यूज देखा है मैंने इंटरनेट पे, साइट्स पे मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा यार एडमिशन प्रोसेस क्या है, रैंकिंग क्या है, फीस क्या है और प्रोस और कॉन्स क्या है, टीचिंग फैसिलिटीज वगैरह कैसी है, हॉस्टल कैसी है, मेस कैसी है, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस आपके पास पहुंच सके और कॉलेज रिव्यूज जो मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज रिव्यूज भी आप देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करें। तो यार अमिटी यूनिवर्सिटी के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है ना कि यार इसकी एडवर्टीजमेंट काफी होती है, या कह सकता हूं कि हर एक इंसान इस कॉलेज को जानता है, चाहे आप उसमें पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपने इसकी एग्जाम दी हो या नहीं दी हो, एनी हाउ आप इसके बारे में एटलीस्ट जानते हो कि यार अमिटी यूनिवर्सिटी नाम की एक कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो है ही। अब आज के इस वीडियो में जैसे कि अमिटी यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, 6-7 कॉलेजेस एक्चुअली आते हैं। जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी की एक जयपुर वाली कैंपस है, लखनऊ वाली कैंपस है, नोएडा की कैंपस है, कोलकाता की कैंपस है, मुंबई की कैंपस है, इतने सारे कैंपस आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं इसकी सबसे बेस्ट जो कैंपस है नोएडा की कैंपस जो है अमिटी यूनिवर्सिटी की नोएडा वाली कैंपस की आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं कि यार इसकी NIRF रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी है। 35 रैंक इसकी है 2019 में, ठीक है। एडमिशन यार इसमें आपको तीन तरीकों से मिल सकता है, तीन तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला तरीका, अगर आपके जेई मेंस में 30 मार्क्स या उससे ज्यादा आ रहे हैं, 30 मार्क्स या उससे ज्यादा, और बोर्ड्स में क्लास 12 बोर्ड्स में आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट हो तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। दूसरी तरीके होती है कि आपको 80% या 80% से अगर ज्यादा मार्क्स आ रहा हो 12th बोर्ड्स में तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। और थर्ड मोड ऑफ एडमिशन होता है वो होती है हमारी अमिटी JEE, अमिटी JEE की एग्जाम देते हो उसके बाद आपके यहाँ पे एडमिशन होते हैं। एक चीज ध्यान रखें, इन तीनों जो मैंने प्रोसेस बताया, इन तीनों प्रोसेस से पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म जो 1100-1200 की अप्रोक्सीमेटली आती है, डिपेंडिंग अपॉन की कितने डेट बाकी है, उस हिसाब से आप लोगों को ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म 100% भरनी पड़ेगी। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जो पैसे जमा करने होते हैं वो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से भी जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एडमिशन की। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया फीस इसकी क्या है, तो यार फीस इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी नहीं बोलूंगा काफी ज्यादा है इनफैक्ट, और फीस अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग फीस होती है। तो मैं एक बायोटेक के लिए और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग जो ब्रांच होती है उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर आप बायोटेक कर रहे हो तो यार आपको 2.5 लाख रुपए एक साल के लगते हैं, 2.5 लाख एक साल के लगते हैं, मतलब 4 साल के 10 लाख आपकी सिर्फ ट्यूशन फी होगी, ठीक है। और अगर आप CSE लेते हो या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सारी मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस अगर आप लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं 3 से लेके 3.20 लाख, मतलब 3 लाख से लेके 3,20,000 एक साल के लगती है, मतलब तकरीबन आपके 12 से 13 लाख रुपए लगेंगे 4 साल ओनली फॉर ट्यूशन फी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपना हॉस्टल इसकी, ठीक है। तो हॉस्टल इसकी ठीक ठाक हॉस्टल आपको मिल जाती है, हॉस्टल की चार्ज इसकी 60,000 से स्टार्टिंग होती है, मतलब कि 60,000 से आप इसकी हॉस्टल फीस स्टार्ट होती है, फिर जहां तक भी आप जा सकते हो, मतलब AC नॉन AC सारी चीजें इसमें मिलती है, उस हिसाब से इसकी चार्जेस बढ़ती है। सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम या फिर ऐसा करके भी सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, उस हिसाब से फीस बढ़ती है। तो इसकी हॉस्टल फीस जो मैंने 60,000 बताई ये बस रहने का है, आपको मेस के लिए अलग से चार्ज लगेगी वो है 5,000 पर मंथ, समझ रहे हो बात। और अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना तो आपको तकरीबन 17 से लेके 18 लाख या 19 लाख के करीब आपकी फीस टोटल, इन टोटल 4 साल में आपकी चली जाएगी। तो बस इसके ऊपर मत जाओ। अभी स्कॉलरशिप भी एक पॉइंट है, तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 93% या उससे ज्यादा मार्क्स एग्रीगेट अगर आ रहे हैं ना क्लास 12th में, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। आगे मैं बताऊंगा कि इसे आप लोग कंटिन्यू कैसे कर सकते हो। और अगर आपको 90% से 93% के बीच में अगर आ रही है ना परसेंटेज, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब इस पहले साल के स्कॉलरशिप को अगर आपको फ्यूचर में अगर आगे बढ़ाना है ना, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की स्कॉलरशिप आपको आगे भी मिले, तो आपको क्या करना होगा ना कि आपको यार
टॉप 5 परसेंटाइल में आना होगा ताकि आपको 100% स्कॉलरशिप मिले। और अगर आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको टॉप 10% में जो है वहां पे मेरिट लिस्ट निकलती है, उस मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ेगा। तो ये हो गई स्कॉलरशिप की बात। अब आते हैं इसके कैंपस में। तो कैंपस यार इसकी अच्छी खासी बड़ी मिल जाती है और इसकी कैंपस अप्रोक्सीमेटली 100 एकड़ की कैंपस है नोएडा वाली। और सारे कैंपस को अगर मैं मिला दूं तो यार ये बोलते हैं कि मेरी 1100-1200 एकड़ की कैंपस है, लेकिन नोएडा वाली कैंपस वो 100 एकड़ की अप्रोक्सीमेटली है जैसा मुझे साइट पे देखने को मिला। तो ये हो गई इसकी बेसिक सी पॉइंट। अब इसमें प्रोस और कॉन्स पे आते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। मैं सारे को मर्ज करके बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी पॉजिटिव क्या है ना कि इसकी ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू इन द सेंस कि आप और हम जान रहे हैं, आप मेरी वीडियो देखने से पहले भी इस कॉलेज के बारे में जानते थे कि हाँ अमिटी यूनिवर्सिटी नाम की एक कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मार्केट में थोड़ी सी तो मदद मिल सकती है इससे, थोड़ी सी एटलीस्ट पीपल इसे जान रहे। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को तो लोग जानते भी नहीं है। दूसरी बात, अब टीचर्स के ऊपर आते हैं। टीचर्स में ना यहाँ पे लोग मिक्स्ड रिएक्शंस देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अच्छे टीचर्स हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं खराब टीचर्स हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको IITians मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको NIT वाले टीचर्स मिलेंगे या फिर PhD आपको मतलब किसी IIITs में जो या IISc बैंगलोर में जैसे टीचर होते हैं वैसे टीचर्स तो मिलना मुश्किल है। जैसा बच्चों ने कहा था उसके हिसाब से यहाँ पे एवरेज टीचर्स आपको मिलते हैं, मतलब पढ़ाने का स्किल। अब कुछ तो बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो बच्चे क्लास जाके सिर्फ सोते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, आप जाके अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये टीचर वाली बात मतलब थोड़ी सी मुझे वाइड लगती है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो टीचर्स आपके लिए अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ो तो हमेशा टीचर आपके लिए बुरे ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए टीचर्स की बात। अब प्लेसमेंट इसकी ओके टाइप होती है। मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकता। क्योंकि यार बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की ऐसी कंडीशन है ना कि उसमें प्लेसमेंट ही नहीं होती। इसमें एटलीस्ट आपकी एवरेज पैकेज जो कि साइड पे मैंने देखी कि 3 से लेकर 3.5 लाख के बीच में इसकी एवरेज पैकेज होती है, और हाईएस्ट पैकेज टिल डेट अभी तक जो गई है ना वो है आपकी 27 लाख। जैसा कि मैंने देख रहा हूँ कि 27 लाख इसकी हाईएस्ट पैकेज अभी तक की टिल नाउ अभी तक गई है, और पिछले साल तकरीबन 17 या 20 लाख के करीब इसकी पैकेज हाईएस्ट गई थी। लेकिन हाईएस्ट पैकेज के ऊपर आप इसके नहीं जा सकते, आपको यार इसके एवरेज पैकेज ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज बहुत ही कम बच्चों को मिलता है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को मिलता है। और प्लेसमेंट जब मैं बता रहा हूं तो एक बात और बता दूं कि आप कोलकाता कैंपस में हो, आप जयपुर कैंपस में हो, आप लखनऊ कैंपस में हो, कहीं पे भी हो, आप मुंबई कैंपस में, आपको आना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए नोएडा कैंपस में। यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यार इसके आस पड़ोस में बहुत सारी टेक जायंट्स है, लाइक TCS, विप्रो, एक्सेंचर, तो इन सारी जगहों पे आप लोगों को प्लेसमेंट जो है एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं यार कि हाईएस्ट पैकेज के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। तो स्टूडेंट यार, स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पे रिच फैमिली से आते हैं, तो आप भटक सकते हो। एक चीज ये है कि आप भटक सकते हो क्योंकि यार इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो नॉर्मली एवरेज फैमिली से बच्चे यहाँ पे काफी कम आते हैं, काफी ज्यादा रिच फैमिली से बच्चे आते हैं। अब रिच फैमिली से बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया कि आपको आदत लग जाएगी यार कहीं पे मस्ती मजा करने का, कॉलेज को बंक करने का, कहीं पे जाके पब में मस्ती कर रहे हो। तो ये कॉलेज की डिमेरिट नहीं है, ये आपकी डिमेरिट है कि आप उन सारे माहौल में रह के आप ऐसा हो जाते हो। तो इसका कॉलेज की कोई भी निगेटिव पॉइंट मुझे नजर नहीं आती, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यार इसकी काफी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बच्चे कह रहे थे कि यार यहाँ की ना सराउंडिंग्स काफी ज्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। हाँ, एक निगेटिव पॉइंट उन्होंने ये बताया कि यहाँ की जो ये लैबोरेटरीज वगैरह होती है ना, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो, वो उतना अच्छा नहीं है। बट मैं उसके ऊपर आप लोगों को 100% कुछ चीजें नहीं बता सकता क्योंकि ऊपर से तो सारी चीजें अच्छी दिखती है, अब अंदर कैसी चीजें हैं आई डोंट नो। बट आई थिंक यार आप जैसे यूजी कोर्स, आप जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो, बीटेक की डिग्री लेते हो, तो इसके लिए यार इनफ होगी जैसी भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो मुझे लगता है यार जैसे कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इतने सारे पैसे ले रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी काफी अच्छी होगी। और हाँ, यहाँ पे यार आपको AC रूम्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलते। तो ये अगर पैसे ले रहे हैं तो पैसे को कहीं कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं जरूर से जरूर, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस यार आपको यहाँ पे कंपलसरी है, आपको 75% अटेंडेंस यहाँ पे रखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं रखते हो तो आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और GPA भी यार आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, तो आपको 6 GPA मेंटेन करके रखना होगा इफ यू वांट टू गेट इनटू प्लेसमेंट। अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है, इफ यू वांट टू सिट इन द प्लेसमेंट,
प्रोसीजर, सो यू हैव टू स्कोर 6 CGPA और मोर। और काफी बच्चे बोलते हैं कि यार उनको प्लेसमेंट नहीं मिली। नहीं मिली इसका मतलब ये है कि यार वो एलिजिबल ही नहीं थे, और एलिजिबल अगर होंगे भी तो वो खींच के बस अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए। ठीक है, तो ये हो गई यार इसकी और एक प्रोस या कौन सा आप लोग जो भी मानो वो मान सकते हो। ठीक है, अब इसकी सबसे अच्छी वाली जो ब्रांच है ना वो है इसकी CSE। अब CSE या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी ब्रांचेस अगर आपको मिलती है तो आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ब्रांच मिलती है तो आप सोच सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट उतनी अच्छी वहां पे नहीं होती है। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और फिर फंक्शन फेस्ट के बारे में बात करो तो यार काफी अच्छी फेस्ट फंक्शन होती है। आप लोगों से भी शायद थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जा सकता है, जैसे कि कुछ भी होती है तो शायद, जैसे कि एक मैं ब्लॉग देख रहा था, उस ब्लॉग में उस बंदे ने बताया कि फ्रेशर्स वगैरह में भी बच्चों ने आप लोगों से पैसे कुछ थोड़े बहुत पैसे वो लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़े बहुत पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं, वो कॉमन है किसी भी कॉलेज में लिए जाते हैं। उसके बाद एक नोट, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि इसकी फीस है तकरीबन आपको 18 से लेकर 20 लाख के बीच में आपको यहाँ पे फीस पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए अगर आप लोन लेके इस जगह पढ़ते हो, क्योंकि यार इसकी सैलरी फीस इज टू जॉब की जो रेशियो है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप आई बटन पे देख सकते हो कि मैंने बताया है उस वीडियो में कि 10 चीजें आप लोगों को कौन सी चीजें देखनी चाहिए कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले। तो उसमें मैंने बताया है कि सैलरी इज टू फीस, अगर आपकी ये रेशियो खराब है तो उस कॉलेज में आप लोगों को ज्वाइन नहीं होना चाहिए। तो बाकी आपके ऊपर है यार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, उतने सारे पैसे दे सकते हो तो आप लोग जा सकते हो। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि VIT MIT ये सारे में से सबसे अच्छा मैं किसको चूज करूं, तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा, प्लीज इस बात को मान, मैं कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको सबसे पहले तो आपको VIT की ओर देखना चाहिए, अगर आपको VIT मिल जाए तो सही है, अगर नहीं मिले तो आपको थापड़ की ओर देखना चाहिए, अगर आपको थापड़ यूनिवर्सिटी मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो आपको MIT की ओर देखना चाहिए, अगर आपको MIT मिल जाए तो भी ठीक है, अगर आपको MIT नहीं मिले MIT और कलिंगा, ये दोनों एकदम सेम प्लेस पे, MIT और कलिंगा ये कहीं ना कहीं सेम प्लेस पे, इन दोनों की पैकेज अच्छी जाती है। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप SRM की ओर देख सकते हो या फिर MIT की ओर देख सकते हो, कहीं ना कहीं दोनों ठीक ठाक है, या SRM को मैं ऊपर मेरे हिसाब से मैं मान सकता हूं। तो यही कुछ चीजें थी कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और होपफुली ये 10-12 मिनट की जो वीडियो हुई होगी ना आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को दे दी होगी कि यार कैसी इसकी प्लेसमेंट स्टेटस है, कैसी इसकी सिचुएशन है। और बाकी यार अगर इसी तरीके के एजुकेशन वीडियोस अगर चाहते हो और भी अगर कॉलेज रिव्यूज चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर देना कि किस वीडियो पे, किस कॉलेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को कॉलेज के बारे में और भी सारे कॉलेज जो होते हैं उनके बारे में पता चले, और जब कॉलेज से ज्वाइन करने से पहले किसी अच्छे कॉलेज में अगर उनकी एडमिशन हो सकती हो और उनके बारे में उनको नहीं पता हो तो मेरे द्वारा उनको पता चल जाए और वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो बस यही चीजें हैं यार, बाकी लेता हूं और विदा, मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए।